नमस्कार, मुद्दा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रदेश विश्व के 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की। इनमें भारत के 14 शहर शामिल हैं, जिनमें कानपुर पहले पायदान पर है। वहीं सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली छठे स्थान पर है, तो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी तीसरे पायदान पर है। पर्यावरण की भयावहता को भांपते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन साथ में सवाल भी उठ रहे हैं कि तमाम कोशिशें क्या वाकई आबोहवा में बदलाव ला पाएंगी। रिपोर्ट आप देखिए। मंगलवार को जारी WHO की रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण के मामले में भारत के 14 शहरों की स्थिति बेहद खराब है। इस सूची में उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर कानपुर पहले स्थान पर है। कानपुर के बाद फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुड़गांव, जयपुर, पटियाला और जोधपुर शामिल हैं। 15वें स्थान पर कुवैत का अली सुबह अल सलीम शहर है। वायु प्रदूषण को लेकर WHO ने 100 देशों के 4000 शहरों का अध्ययन किया है। लेकिन जितने भी डेटा, चाहे वो पब्लिक हेल्थ का डेटा हो, चाहे वो लैंसेट रिपोर्ट का डेटा हो, सब में बहुत क्लियरली आ रहा है, साइंटिफिक डेटा क्लियरली कह रहा है कि दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित शहर है, और उसके साथ साथ बाकी भारत के और शहर हैं जो कि उस लिस्ट में आ रहे हैं। पुरानी लिस्ट से ताजा आंकड़ों की तुलना करने पर पता चलता है कि दिल्ली में 2010 से 2014 के बीच हालात थोड़े बहुत सुधरे थे, लेकिन 2015 के बाद से प्रदूषण को लेकर स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस बीच NGT ने दिल्ली सरकार सहित दूसरी राज्य सरकारों को भी फटकार लगाई थी, लेकिन इसका असर आंकड़ों में नहीं दिख रहा। We do face a lot of problems and generally just for the environment, it's not right. When we had that odd even rule, it was still helping a bit. But now I feel that it's more polluted than ever. गाड़ी का प्रयोग करते हैं नॉर्मल, हर चीज में जाने के लिए नॉर्मल, ऑड एंड इवन से भी इतना कोई फायदा नहीं हुआ है। लोग ज्यादातर लोगों ने माना नहीं है, इतना कोई वो नहीं है, सरकार इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है ज्यादा। मुझे हमेशा गॉगल्स पहन के चलना पड़ता है, ये नहीं इसलिए नहीं कि धूप तेज है, इसलिए कि भाई वहाँ पे पोल्यूशन बहुत है। दूसरा, अस्थमा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बॉडी से होती हैं, जो कि शायद नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस रीजन की वजह से ये और बढ़ती जा रही है। तो हमें लगता है कि इसको किसी ना किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए। WHO की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना की विशेष चर्चा की गई है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को किफायती दर पर LPG कनेक्शन मुहैया कराया गया है। इससे इन महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने से निजात मिली है। रिपोर्ट में उज्ज्वला योजना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि हालांकि वायु प्रदूषण के ताजा आंकड़े खतरनाक हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के कुछ देशों में सकारात्मक प्रगति देखी जा रही है। वैसे भारत में 2016 में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए। अक्टूबर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, दिसंबर 2015 में ट्रकों पर पर्यावरण प्रतिपूर्ति शुल्क और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर NCR के शहरों के बीच बेहतर समन्वय जैसे उपाय इनमें शामिल हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने इस साल अप्रैल में देश भर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत बहुत सी परियोजनाओं को जारी किया है और 17 मई तक लोगों से प्रतिक्रियाएं भी मांगी हैं। उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बीते साल सर्दियों की शुरुआत में जब पश्चिमी यूपी में पराली जलाने से उठे धुएं और कोहरे से धुंध फैली, तो मामले ने तूल पकड़ा और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सक्रियता पर सवाल उठे। तो ये बहुत ही दुखद बात है, और जो यहाँ का नाली सफाई वगैरह सब है, सब जैसे का तैसे वैसे ही पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो कूड़ा वाला प्लांट है पनकी पड़ाव में, वो रात में जला देते हैं और इतना सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इतना धुआं, इतना गुबार कि बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग। प्रदूषण के मामले में हमारा जो है कानपुर 13वें स्थान पर आ गया है। ये बहुत ही दुखद है, चिंताजनक बात है, इस पे हम सभी को ध्यान देना चाहिए। आम नागरिक भी सफाई के प्रति सचेत रहे और प्लस प्रशासन क्या, नगर निगम। इस बोर्ड के पास समस्या से निपटने के लिए ना तो पर्याप्त स्टाफ ना ही संसाधन मौजूद थे, लेकिन अब बोर्ड के कायाकल्प का खाका तैयार किया गया है। इसके तहत सभी 75 जिलों में बोर्ड के दफ्तर खोले जाएंगे। 7 बड़े मंडल मुख्यालयों में जोनल दफ्तर खुलेंगे। जिले के दफ्तरों में सहायक इंजीनियर स्तर के अफसर तैनात होंगे। ये जिले के प्रदूषण से संबंधित आंकड़े जुटाने से लेकर प्रदूषण नियंत्रण पर प्रभावी कार्यवाही कर सकेंगे। जोनल दफ्तर की कमान चीफ इंजीनियर के पास होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ही इंक्यूबेशन हब बनाने की भी तैयारी हो रही है। इससे संबंधित रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए IIT और IIM सरीखे नामी गिरामी संस्थानों से सहयोग लिया जाएगा। गंगा सहित बाकी नदियों में कचरे को रोकने के लिए मुहिम छेड़ी जाएगी। साथ ही बोर्ड के स्टाफ का विस्तार भी 3 गुना किया जाना तय है।
मौजूदा वक्त में बोर्ड में 817 पद हैं। विस्तार होने पर यह तादाद बढ़कर 2412 पहुंच जाएगी। प्रत्येक जिले में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ऑफिस खोलने की बात है और जिन जिलों में काम कम है या इंडस्ट्रीज की संख्या कम है वहां पर असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के ऑफिसर्स को उस जिले की जिम्मेदारी देने की बात है। जिलों के कार्यों की मॉनिटरिंग होगी और एक बड़ी स्टेट ऑफ आर्ट जो हमारी प्रदूषण को जांच करने वाली लैब होती है उसको जोनल लेवल पे हम लोगों को लेके आना है। हालांकि सवाल भी उठ रहे हैं कि प्रदूषण के खिलाफ सरकार और न्यायपालिका की तमाम कोशिशें क्या वाकई अब हवा में बदलाव ला पाएंगी, लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर फाइलों के मकर जाल से निकलकर ये कोशिशें परवान चढ़ी तो बदलाव की बयार महसूस की जा सकेगी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कायाकल्प का प्रस्ताव तैयार किया गया है, अगर सरकार ने इस पर मुहर लगा दी तो फिर प्रदूषण पर मुकम्मल निगहबानी हो सकेगी, कारगर नियंत्रण हो सकेगा और सूबे की सूरत और आबोहवा बदल सकेगी, बेहतर हो सकेगी। कैमरामैन मन्ना के साथ ज्ञानेश शुक्ल, APN। पर्यावरण के हालात बेहद भयानक होते जा रहे हैं, जो न सिर्फ मौजूदा वक्त में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक संकेत देते हैं। आखिरकार क्यों ऐसा है कि पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है और तमाम योजनाएं आने के बाद भी, इच्छा शक्ति होने के बावजूद भी क्यों प्रदूषण पर लगाम हम लोग नहीं लगा पा रहे, इसी पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका तारुफ आपके साथ कराते हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। डॉक्टर हिलाल साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। गोविंद पंद्राजू हमारे साथ हैं, सलाहकार संपादक APN। कैप्टन द्विवेदी जुड़ चुके हैं हम तक, पूर्व IAS हैं। RC जैन हमारे साथ हैं, टाउन प्लानर हैं। और मनु सिंह हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं। बहुत स्वागत सभी लोगों का। मनु सिंह, शुरुआत मैं आपसे करूंगा कि रिपोर्ट क्या कहती है कि कितने खतरनाक स्तर पर हम लोग पहुंच चुके हैं अभी? देखिए, जो WHO की रिपोर्ट है वो इतनी भयावह है भारत के लिए खास तौर पर। उसके अनुसार विश्व की जो 15 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं, खासकर जब हम PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो फाइन से फाइन पार्टिकल मैटर हैं जो सबसे भयावह होते हैं, जो लंग्स के लिए खासकर ब्रोंकाइटिस को एकदम भयावह स्थिति से बढ़ाते हैं, जिनकी वजह से पूरे विश्व में 7 मिलियन डेथ्स हो रही हैं, वो जब उनको आप केंद्र में लेते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं तो भारत के 14 शहर उन 15 शहरों में हैं। यानी अगर आप इन्हें आंकड़ों में देखेंगे, क्योंकि 2016 की रिपोर्ट है, अगर आप इन्हें आंकड़ों में देखेंगे तो 2020 में पूरे विश्व में जो पॉल्यूशन डेथ्स होंगी उसके लगभग 44% डेथ्स भारत में होंगी। तो इतनी भयावह स्थिति है, ये एक तरह से एक हेल्थ डिजास्टर है, इस समय स्वास्थ्य आपदा है। और सिर्फ मैं कहूंगा राजनीतिक क्षेत्र के लोग ही नहीं, बल्कि हम सबको एक सामाजिक दृष्टि से युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा। दूसरा, सिर्फ इस रिपोर्ट को ना देखें, पिछले 3 साल में लगभग 27 ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, कहीं पानी को लेकर, कहीं आपदाओं को लेकर, कहीं तूफानों को लेकर, और सिर्फ भारत को लेकर ही नहीं बल्कि जो पूरा हमारा भूभाग है, पूरा दक्षिण एशिया है, हम सबको अक्रॉस बॉर्डर्स इस पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जहां कानपुर, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, भारत में तो छोटे छोटे शहरों की भी स्थिति खराब है, वहीं पेशावर, रावलपिंडी की स्थिति भी बहुत खराब है। तो एक इको टास्क फोर्स के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जैसे ठीक है, वो ग्लोबल लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सर ये रिपोर्ट अगर कहती है कि विश्व के जो 15 सबसे प्रदूषित शहर हैं उनमें टॉप जो 14 हैं वो सर भारत के हैं, 2010 में रिपोर्ट भी आई थी उसमें भारत के एक शहर को शामिल किया गया था, कालांतर में 6 साल बाद 14 शहर उसमें शामिल हो जाते हैं, तो क्या ये कहना गलत है कि जो पॉलिसीज हैं या जो जागरूकता है लोगों के बीच में वो नगण्य है, उसी के चलते प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है? नगण्य तो मैं नहीं कहूँगा, पॉलिसीज अच्छी निकलती हैं, लोग अच्छी पॉलिसीज बनाते हैं, जहाँ तक उनके क्रियान्वयन का सवाल है वहाँ पर प्रॉब्लम है और वो बहुत ही खराब है मेरे देश में। मतलब अनियंत्रित, अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें तो दिल्ली में रोक लगी हुई है, लेकिन आप जाके देख सकते हैं साउथ दिल्ली की, मैं खास एग्जांपल दूंगा, सैनिक फार्म वाले इलाके हैं, मुनिरका जैसे इलाके, काफी जगह अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन जो है बेधड़क चल रहा है और ये बहुत बड़ा कारण होता है। जो डस्ट होती है वो PM 2.5 बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसी के जो सब माइक्रोनियल पार्टिकल्स हैं उसके आसपास पॉल्यूटेंट्स चिपकते हैं, जो प्रदूषक है वो चिपकते हैं। तो एक क्रियान्वयन जो है वो बहुत खराब है। दूसरा,
सजा से लोग बच जाते हैं जब तक एक डेटरेंट नहीं बनाएगा। जैसे अभी हम रेप वाले मामले में देख रहे थे, एक अहम, एक पावरफुल डेटरेंट चाहिए। जब तक इन लोगों को भारी से भारी सजा नहीं होगी और तुरंत सजा नहीं होगी, लोग नहीं चेतेंगे। ठीक है, राकेश त्रिपाठी, क्या क्रियान्वयन में एक बड़ी कमी को हम अब ये एक्सेप्ट करें, क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं सरकारी योजनाओं का? पहले तो आपको साधुवाद करूंगा कि आपने आज इस प्रकार के एक सामाजिक मुद्दे को, एक ऐसे मुद्दे को उठाया है एपीएन चैनल ने, जिस पर वास्तविकता में विमर्श की आवश्यकता है, और केवल राजनीतिक विमर्श ही नहीं बल्कि इसके समाजशास्त्रीय अध्ययन भी किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे रहने के तरीके से जुड़ा हुआ मसला है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस संदर्भ में लगातार खुद निवेदन किया है कि हम अपने आसपास न गंदगी फैलाएं और जहां कहीं भी गंदगी है उसको साफ करने का काम करें, हम सरकार के नाते अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम मानते हैं कि कल कारखानों से निकलने वाला जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार को ही प्रयास करना होगा, लेकिन साथ ही साथ हमको अपने जीवन में इस प्रकार की आदतों को भी परिवर्तित करना होगा ताकि हम प्रदूषण के स्तर को कम कर सके। तो अभी ये रिपोर्ट तो केवल वायु प्रदूषण को लेकर के है, और ये केवल केवल भारत के लिए ही चिंताजनक स्थिति ऐसा भी नहीं है। विश्व की 95% आपको हवा ऐसी है जो 95% आबादी के लिए आज जहरीली हवा उसको लेनी पड़ रही है। ये चिंता का कारण पूरे विश्व के लिए है और पूरे वैश्विक स्तर पर अलग अलग जब संगठन बैठते हैं तो इस संदर्भ में चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, वो वाहनों के जो इंजन है उसको कैसे अपडेट किया जा सके ताकि वो कम से कम प्रदूषण फैलाने वाले हो, जितने भी वातानुकूलित यंत्र हैं उनसे कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सके, इस संदर्भ में विचार विमर्श के लिए वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से WHO की रिपोर्ट में भारत के 14 शहर का आना और विशेष करके उत्तर प्रदेश के शहरों का आना, यह चिंता की लकीरें खींचता है। सरकार के लिए भी और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते भी हमारे माथे पर चिंता आती है। हमारी यह जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि हम समाज को जागरूक करें, जो मशीनरी है उस मशीनरी का एक्यूरेट हम पालन करा पाए ताकि ये जो प्रदूषण की संभावनाएं हैं इनको कैसे कम से कम किया जाए, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। और इस प्रकार के विमर्शों से जो भी राय निकल करके आएगी, हम सब अपेक्षा करेंगे कि सरकार उन रायों पर आगे बढ़े, उन राय को लागू कराने के लिए प्रयास करे। इस पैनल डिस्कशन में भी जो राय निकल करके आएंगे, निश्चित तौर पर मैं उसको सरकार के सामने रखने का काम करूंगा ताकि सरकार उसको बहुत सकारात्मक तरीके से आपने बात रखी सर। लेकिन एक चीज और जानने की इच्छा हम लोगों को है कि सरकार की तरफ से सामाजिक जिम्मेदारी है, इस बात में कोई मनाही नहीं है, लेकिन राजनीतिक जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी भी है। मौजूदा सरकार जो हमारी है वो क्या इनिशिएटिव ले रही है प्रदूषण को कम करने के लिए? नहीं देखिए, मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री जी का अपने हाथ में झाड़ू पकड़ना वो सिंबॉलिक एक नहीं था, केवल वास्तविकता में लोगों को इस संदर्भ में जागरूक करना और सीधे सरकार के जो भी अंग इससे जुड़े हुए हैं वो आगे बढ़कर के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आज नदियों के प्रदूषण को दूर करने के लिए हम एक्शन प्लान गंगा नमामि गंगे योजना के तहत एक्शन प्लान लेकर के काम कर रहे हैं। हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए आज जो BS3 BS4 के वाहन थे उनको चलन से बाहर करके हम BS5 की तरफ आगे जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तमाम फैक्ट्रियों में जो अत्याधुनिक उपकरण है इस संदर्भ में लगाए जाने के लिए उनको मैंडेटरी कर रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण की जो बॉडी अब तक जिसको कम अधिकार रहे उसको ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले, इस संदर्भ में भी हम प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास नाकाफी है, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। हमको इस पर और युद्ध स्तर पर आगे जाना चाहिए, जो बात मनु सिंह जी ने कही कि हमको इसको एक युद्ध स्तर पर अपने प्रयासों को लेकर के जाना होगा, हम इस बात से सहमत है। और सरकार इस तरह के सभी स्वच्छता योजना का आपने जिक्र किया मनु सिंह, उस पर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा स्वच्छता योजना को लेकर। स्वच्छता स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई, हर जगह सफाई की बात की, कूड़ा हर जगह से साफ किया गया, लेकिन एक जगह जाकर डंप कर दिया गया, फिर उस कूड़े को जला दिया जाता है। क्या वो उतना ही भयावह नहीं है कि कूड़ा अगर कहीं पड़ा होता उतना ही भयावह नहीं होता जितना कि अभी हो रहा है उस कूड़े को जला देना? जी, उससे ज्यादा भयावह हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसको जमीन पर छोड़ दें तो वो सिर्फ दुर्गंध पैदा करेगा, लेकिन अगर आप उसको जला दें तो वो वायु प्रदूषण, और इसे कन्वर्टिबिलिटी फैक्टर में मैं आपको बता दूं तो 6 गुना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हालांकि मैं साधुवाद देना चाहूंगा, जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने पहली बार, और मैं देख रहा हूं भारत में तो पहली बार इस तरह से जागरूक करने का प्रयास लोगों को किया है, वो बहुत सराहनीय है। लेकिन जहां मैं देख रहा हूं कि जमीनी अगर आप उसे देखें, आप देख रहे हैं कि उसका इतना प्रभाव आपको दिख नहीं पा रहा है, क्यों लोग उसको अभी भी पकड़ नहीं रहे हैं। और मैं उसी बात पे वापस आऊंगा, इकट्ठा भी करते हैं तो कोई आपको एक टेक्नोलॉजी लानी होगी, कोई मशीनरी लानी होगी ताकि उसको आप रिसाइकल कर सकें या रीयूज कर सकें, कर सकते हैं आप उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, वो योजनाएं चल भी रही हैं कई जगह पर, और आप उसका आप उसको अलग अलग जैसे विकसित देशों में होता है आप उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। एक को आप रिसाइकल कर सकते हैं, दूसरा ऑर्गेनिक
को आप सीधा ही उससे खाद बना सकते हैं। तीसरा जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है उससे इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हो सकता है, पावर बन सकती है, उसके लिए आपको योजनाएं बनानी पड़ेंगी और युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ दिल्ली जैसे सिर्फ हमने अभी एक फेज पर काम किया है कि हम कूड़ा साफ करेंगे, उस कूड़े का होगा क्या, इस फेज पर कोई अग्रेसिवली हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। कैप्टन द्विवेदी, आपके पास मैं आऊंगा कि जो हमारी जो सरकारी तंत्र है उसका कितना बड़ा योगदान होता है इसी को करने के लिए, क्योंकि स्वच्छता योजना स्वच्छ अभियान लागू किया गया लेकिन पब्लिक के बीच पूरी तरीके से अवेयरनेस उस बारे में नहीं आई है। उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो कहा गया कि भाई गांव में जो लकड़ी जलाई जाती है, उपले जलाए जाते हैं, उससे काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है और वहां मौजूद घर के लोग होते हैं उनको काफी सारी सांस संबंधी बीमारी हो सकती है। सिलेंडर बांटे गए लेकिन उसके बाद हालात ये हैं कि उन लोगों के पास इतने पैसे तक नहीं है कि सिलेंडर वो दोबारा भरवा सकें, तो अधूरी जो क्रियान्वयन है क्या ये और ज्यादा खतरनाक नहीं है? अनंत, सबसे जरूरत इस बात की है कि जन जागरण बहुत व्यापक स्तर पे होना चाहिए। जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा सरकार की योजनाएं कागज पे बनती रहेंगी और हम इसी प्रकार से इन लिस्ट्स को डिस्कस करते रहेंगे जी। चाहे वो आईआईटी आईआईएम्स हो या इस प्रकार के और भी संस्थान हो। आज मैं किसी न्यूज को देख रहा था कि एक पोस्टमैन है झारखंड में, उसने अपने 70 किलोमीटर के एरिया में प्लांटेशन करके काफी ग्रीनरी कर दी है और काफी बड़ा रिवॉल्यूशनाइज काम किया है जी। इसी प्रकार से यदि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, हम देखिए अपने ही देश में हैं तो जितनी गंदगी फैला सकते हैं फैलाते हैं और यहीं से एज ए टूरिस्ट यूरोप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं या बगल में सिंगापुर जाते हैं। बिल्कुल, तो जो हमारा वेस्ट होता है उसको निश्चित स्थान पर डालते हैं जी। तो जब तक ये प्रशिक्षण या इस प्रकार की जन जागरूकता हम नहीं लाएंगे, किसी प्रकार की भी पॉलिसी बनाना हमारे लिए बहुत फायदेमंद नहीं होगी। दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है, जैसा अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, हमें आवश्यकता इस बात की है कि डेटरेंट एक्शन होना चाहिए। जो लोग इसका वायलेशन करें, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कर रहा है, वो जो लोग वायलेट कर रहे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के रूल्स को, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो। अभी वो काम नहीं हो पा रहा है, जैसा कि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि उत्तर प्रदेश को ही देख लें, इतना बड़ा प्रदेश है लेकिन हमारे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अभी भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसेज नहीं फंक्शनल हैं। बिल्कुल, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। ये प्राथमिकताएं हो जाएंगी, पोस्ट भर जाएंगे, लेकिन केवल एक औपचारिकता कर देने से काम नहीं चलेगा। इसको हमें एक चुनौती के तौर पे लेना पड़ेगा, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उज्ज्वला योजना लाए हैं, इसकी पूरे विश्व स्तर पर वैश्विक स्तर पर बहुत तारीफ हुई है कि कम से कम एक डेवलपिंग नेशन में इस प्रकार की सोच है कि जो हम पोल्यूशन के लेवल्स को, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। और 2020 तक जो उनका टारगेट है कि हम 8 करोड़ लोगों को कम से कम ये गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड कर देंगे, ये एक बहुत बड़ा उसके लिए अभियान है। ये भी सोचना जरूरी नहीं हो जाता कि सोच बहुत बेहतर है, बहुत उम्दा सोच है कि लोगों को आप फैसिलिटी भी दे रहे हैं साथ ही साथ पर्यावरण को भी आप सुरक्षित और संरक्षित आप कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पर लूप होल नजर नहीं आता कि ये वो लोग भी हैं जिनके पास आय का स्रोत इतना ही नहीं है कि दोबारा सिलेंडर भरवाना अफोर्ड कर सकें? अनंत, आपके ही चैनल पर हम लोग इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर बैठ के बहुत डिटेल डिस्कस कर चुके हैं जी। ये हुआ था लेकिन इनिशिएटिव लिया गया है, अब उसमें विकल्प क्या होंगे, कैसे इनको अल्टरनेटिवली हम सब्सिडाइज सिलेंडर्स दे सकते हैं, उस पे कार्यवाही भारत सरकार को करनी चाहिए और कदाचित इस पे कार्य हो रहा है। बिल्कुल, ताकि जितने प्रयास किए गए हैं वो कहीं बेकार ना हो जाएं। फिलहाल मैं आपके पास लौटूंगा। जो डिटरेंट एक्शन की बात की है कैप्टन द्विवेदी ने, क्या उसकी बड़ी कमी नजर आती है? क्योंकि छोटी छोटी चीजें हम देखते हैं, जैसे छोटी छोटी फैक्ट्रीज कहीं खुली होती हैं, उनमें कोई प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई साधन नहीं होता, नदियों में आसपास के नालों में पूरा पूरा जो कचरा है वो बहा दिया जाता है, कहीं जगह हमने देखा कि रिवर्स बोरिंग कहीं पे किए जाते हैं, हमने देखा कि भाई जो बोरिंग कराते हैं घरों में यार छोटे छोटे ट्यूबवेल लगाते हैं वो हालांकि कानूनी तौर पर मना है लेकिन फिर भी वो लगते हैं और नालियों में साफ पानी बहता रहता है। अनंत, देखिए जो
पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहां पर जो हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा पोल्यूशन जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से भारत का नंबर इतने ऊपर चढ़ के आया है जी, वो है P10 और P2.5। ये पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, इतने महीन होते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो सीधे हमारे लंग्स में चले जाते हैं, वो कहीं बीच में डिटेक्ट नहीं होते हैं जी। ये जो है ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल करके आता है। दूसरा इसके ना महत्वपूर्ण बात यह कि देखिए, हमको एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ जनता दोनों को समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा, जनता को भी समझना होगा। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तभी हो पाएगा। जनता को हम जो है वो बताते रहे, नसीहत देते रहे और सरकार कुछ ना करे तो भी कुछ नहीं होगा, और अगर हम जो है वो सरकार के ऊपर ही आलोचना करते रहे और जनता कुछ ना करे तो भी कुछ नहीं होना है। देखिए, जो पॉल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है तो उसमें सबसे पहला काम होगा कि जो वेस्ट है, जितना भी वेस्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं। देखिए, एक ही होता है कि हम उसको रिसाइकल कर रहे हैं या हम उसको सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर हम जितना भी वेस्ट है उसको सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जाकर के पोल्यूशन फैलाएगा ही फैलाएगा। तो जो पॉलिसीज है उसके नाम पॉलिटिकल, जो जितना भी ये हमारा पॉल्यूशन करने वाला वेस्ट है इसको हम उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर तो कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी नीति नहीं बना पाए जिसके अंदर इसको हम ट्रीटमेंट दे सके। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे तो ये समस्या बनी रहेगी, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कहा जाता है कि वेस्टर्न यूरोप में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, वहां के पब्लिक जो है बहुत अवेयर है, तो वहां उनको मालूम है कि उन्हें अपना कचरा कहां डंप करना है और वो कचरा अगले दिन साफ होता है। तो यहां पे देखिए, जनता का ये है कि वो कचरा कहां डंप करेगी, ये उसकी जिम्मेदारी है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उस कचरे को वो वहां से उठा करके। लेकिन हराज साहब, अगर डिटरेंट एक्शन होना शुरू हो जाए, ये पता लगना लोगों को, ये इंश्योर हो जाए कि अगर हमने कचरा यहां डाला तो एक बड़ा फाइन भी हो सकता है, हमें थाने भी जाना पड़ सकता है, अगर लोगों के मन में ये डर हो जाए तो क्या नहीं फेंकेंगे कचरा? अनंत, इसमें बस हम आ रहे हैं, आपको हम कहते हैं बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अल्टरनेटिव होना चाहिए। देखिए, अगर हम ये लगा देते हैं कि अगर आपने कचरा फैलाया तो हम आप पे फाइन कर देंगे, लेकिन हम उस कचरे को फेंके कहां, डिस्पोज कहां करें, उसकी फैसिलिटी तो होनी चाहिए ना, तभी तो हम उसके ऊपर फाइन लगा पाएंगे। देखिए, यहां पर जो अगर फाइन लगाया जा सकता है, जो डिटरेंट काम किया जा सकता है, वो किया जा सकता है जो इंडस्ट्रीज है जहां पे ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगे हुए हैं, जिनको ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए, वो वहां पे जो ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगा रहे वहां पे डिटरेंट होना चाहिए। वो डिटरेंट है भी, ऐसा नहीं है कि वो डिटरेंट नहीं है, लेकिन अगर हम आम नागरिक के ऊपर ये फाइन लगाते हैं तो वो पूछेगा कि हम इस कचरे का करें क्या, हम इसको कहां फेंक दें, कहां के ऊपर वेस्ट मैनेजमेंट है। तो देखिए, हमको दोनों तरफ से चलना होगा, एक बात, और दूसरा ये कि एक हमको कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लानिंग करनी होगी। नी जर्क रिएक्शन से अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके हमको इंपैक्ट देखने को नहीं मिलते और खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। शायद इसका बहुत बड़ी वजह जो है वो हम पॉलिटिशियंस है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये जो है इसकी बहुत बड़ी वजह हम पॉलिटिशियंस है कि हम जो है वो ये देखते हैं कि साहब आपने ये किया, आपने ये नहीं किया, किस तरह से किया, किस तरह से नहीं किया, लेकिन हम किसी भी सरकार को ये वक्त नहीं देना चाहते हैं कि आप एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाइए, उसको ग्रेजुअली आप किसी एक जगह से शुरू कीजिए, उस मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में शुरू करें, वक्त लगेगा इसमें, ये एक दिन में नहीं होना है, ये सिर्फ उज्ज्वला योजना से नहीं होना है, ये सिर्फ शौचालय बना देने से नहीं होना है, ये सिर्फ स्वच्छ भारत से नहीं होना है, हमको सारी चीज से होना है सर। चर्चा के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि हमको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाना होगा। ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। आरसी जैन साहब, क्या दिक्कतें आती हैं जो ठेला साहब ने अभी कहा है कि भाई जनता को मैं बता तो दें कि आपको कूड़ा कहाँ फेंकना है, क्या कूड़ा यहाँ नहीं फेंकना है, लेकिन कहाँ फेंकना है ये बताने में अभी हम सक्षम नहीं है क्योंकि वो संसाधन हम लोग मुहैया नहीं करा सकते हैं पब्लिक डोमेन में। क्यों नहीं हो पाता सर वो? देखिए, जहां तक वाराणसी की बात है, वाराणसी में कूड़ा उठाने का कार्य प्रारंभ हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किया है उसके अंतर्गत उन्होंने CSR के तहत 3-4 एजेंसियों को यहाँ पर मोहल्ले में वार्ड वाइज कूड़ा इकट्ठा करने का कार्य कर दिया है। मेरे अपने खुद के घर में 50 रुपया महीने पर आदमी कूड़ा घर से लेकर के ले जाता है और उसको जहाँ रिक्वायर्ड लोकेशन पे डाल रहा है। एक बड़ा ही सौभाग्य की बात थी कि मैं भी जब वाराणसी जब प्रधानमंत्री जी चुने गए थे तो क्योटो मैं गया था और वहां पर टोक्यो में 30 कूड़ा घर बने हुए हैं। मैं आपको एक बात संज्ञान में डालना चाहूंगा कि वाराणसी में इस वक्त में A to Z जो संस्था थी
जो पहले कूड़ा उठाती थी पुराने राजनीतिक शासन काल में उसका काम हटा दिया गया था। तो आज के दिन अगर आप वाराणसी में विजिट करिएगा तो मोहल्ले में से कूड़ा उठाने का कार्य तो प्रारंभ हो गया। सबसे बड़ी बात जो भाई साहब ने कही ध्वनि, ये जो वायु प्रदूषण है, तो वाराणसी बहुत कंजेस्टेड शहर है, यहां पर जितनी भी सड़कें हैं उन पर दिन भर जाम लगा हुआ है और जाम के साथ में सड़कों पर नहीं है तो बगल में खुदाई भी हो रही है और साथ में सब जगह जाम होने से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गाड़ियों का निकल रहा है और रात में जब आपकी नो एंट्री खुलती है तो पूरे के पूरे ट्रक पूरी रात भर चलते हैं। तो पहले जो कहते थे कि दिन में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और रात में ऑक्सीजन निकालते, वो कार्य मेरे शहर में नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से तो एक तो वायु प्रदूषण हो रहा है लेकिन जहां तक कूड़ा निस्तारण है वो हमारे शहर में कार्य प्रारंभ हो चुका है, वासी उससे संतुष्ट हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसा मैं लौटूंगा आपके पास, जब मैं लौटूंगा सर आपके पास कुछ और सवालों के साथ, गोविंद जी आपसे जाना चाहूंगा सर, एक मैं लौटूंगा सर आपके पास पूरा वक्त रहेगा जैसा, मैं लौटूंगा सर आपके पास। गोविंद जी, जितनी भी दिक्कतें सामने आ रही है वो एक इंटरडिपेंडेंट सामने आ रही है कि ये दिक्कत तो सही करना चाहते हैं लेकिन इस दिक्कत से पहले उस दिक्कत को सॉल्व करना होगा। हम चाहते हैं कूड़े का निस्तारण हो, कूड़ा सही जगह पर डले लेकिन संसाधन नहीं है। संसाधन क्यों नहीं है कि भाई पब्लिक अवेयर नहीं है इस चीज को लेकर, तो कैसे हम इन समस्याओं के बीच फिर एक आदर्श स्थिति ला सकते हैं या कैसे हम सोच भी रहे हैं फिर कि योजनाओं के जरिए हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। देखिए आनंद, इसके लिए मुझे लगता है कि एक समग्र बदलाव की जरूरत है। वो बदलाव हमारे विचारों में, हमारी सोच में हो, वो हमारे योजनाकारों के काम करने के तरीके में हो और वो जिम्मेदार जो लोग हैं जिन पर जिम्मेदारी है उनके जो काम है उसमें वो बदलाव हो। अभी जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में जैसे अभी हमने जो अभी खबर दिखाई कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बड़ा अपना विस्तार करने की योजना बनाई है, हर जिले में उसकी इकाई होगी, हर जिले में वो व्यवस्था करेंगे, लेकिन व्यवहार के तौर पर हम ये देखते हैं कि जहां भी इकाइयां थी भी जी, वो इकाइयां कर क्या रही, ज्यादातर इकाइयां वसूली करती हैं, ज्यादातर इकाइयां जो एनओसीज देती हैं या जो उनका एनुअल जो एक सर्टिफिकेट होता है वो उनको देती है और एक दो दिन चीजें अगर ठीक करने की कोशिश दिखाई भी जाती है उसके बाद चीजें वैसी की वैसी होती। तो समस्या यह है कि फैक्ट्री चलाने वाले को यह नहीं लगता कि वो कोई अपराध कर रहा है, गंभीर अपराध कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि उसके वायु प्रदूषण की वजह से उसके आसपास के इलाके में कितने लोगों की मौतें हो रही, कितने लोग उसके दुष्प्रभाव को झेल रहे हैं, कितने लोगों को तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, इसकी न तो उसे जानकारी है और न उसको ये पता है कि इस तरह का प्रदूषण फैलाने से कानूनन उसके लिए इस तरह का कोई संकट पैदा हो सकता है उसको इस तरह की उसको तो ये लगता है कि वो एक फैक्ट्री चला रहा है, धुआं निकल रहा है और अधिकारियों की जेबें गर्म कर दो, धुआं चलता रहेगा, दाएं बाएं काम खत्म हो जाएगा। तो जब तक उसके सोच में बदलाव नहीं आएगा, जब तक ये जो यूनिट्स हर जिले में भेजी जा रही हैं, इनके सोच में बदलाव नहीं आएगा कि इनकी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी उस इलाके के स्थानीय लोगों के लिए, खाली धुआं रोकना इनकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि प्रकारांतर में वो धुआं आसपास के लोगों की सेहत का दुश्मन बनता है और जो आंकड़े हैं 15, 16, 17 और 18 के भी आंकड़े लगभग ऐसे होंगे कि वायु प्रदूषण की वजह से मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा प्रतिशत भारत के लोगों का है। तो ये स्थितियां अलग अलग लोगों को और सामान्य नागरिक को भी, जब वो टायर जलाता है, जब वो खेतों में पराली जला देता है, उसको ये नहीं पता है कि वो एक अपराध कर रहा है, क्योंकि इस तरह की जागरूकता का कहीं प्रयास नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है, स्वच्छ भारत है, उन्होंने सबको झाड़ू पकड़ाई, लोगों ने पकड़ी, लेकिन उनका सपना आगे क्या था कि उन्होंने एक 3 लोगों का एक चेन बनाने की कोशिश की थी, उन्होंने कुछ लोग नामित किए थे, फिर ये था कि वो लोग आगे नामित करेंगे और आगे नामित करेंगे और इस तरह समाज के हर निचले स्तर तक एक चेन बन जाएगी, सफाई के दूत हर स्तर पर होंगे और लोग काम करेंगे, लेकिन हुआ क्या, एक राजनीतिक प्रयास के अलावा समाज ने उस प्रयास को कहां लिया। हम तमाम साइकिल रेस, इस तरह की रेस, उस तरह के फैशन शो और तमाम चीजों का आयोजन करते हैं, मेले ठेलों का आयोजन करते हैं, लेकिन सफाई के लिए कौन संस्थाएं इस तरह से आयोजन करती हैं? क्या ये आज के दिन आप अपने मोहल्ले की सफाई करिए, अपने समाज की सफाई करिए? लखनऊ हमारी जो जिम्मेदारी है और हमारा जो एहसास है प्रदूषण के लिए वो क्या है, मैं आपको लखनऊ का एक उदाहरण बनाऊं। लखनऊ में बड़े मंगल, जो मंगल इस महीने जो मंगल होते हैं, इनका
एक खास महत्व है और पूरा शहर तमाम मुफ्त के जो भंडारे लगते हैं उन भंडारों से लोग पूड़ियां और तमाम तरह की चीजें खिलाते हैं और लोग खाते हैं। कल जो अखबारी रिपोर्ट है उनके हिसाब से 75 लाख किलो आटे की पूड़ियां बनाकर खिलाई गई, कम से कम 5000 से ज्यादा भंडारे लगे थे, लेकिन वो सारे भक्त लोग, सारे समाज और हनुमान जी के प्रति समर्पित लोग, और लखनऊ में तो ये धर्म से ऊपर है, मुस्लिम भी इस तरह के आयोजन करते हैं, उन तमाम लोगों को अपना सत्संग करते हुए इस बात का ध्यान नहीं आया कि उनके इस खाना खिलाने के बाद वो जो इतने सारे लोगों का खाया हुआ प्लास्टिक का गिलास, प्लास्टिक का कटोरा और तमाम तरह का कचरा सड़क पर फेंकेगा वो कहां जाएगा। तो ये हमारी जागरूकता का स्तर है समाज के निचले स्तर पर, जब तक इसमें बदलाव नहीं आएगा और इसके लिए समग्र तौर पर प्रयास नहीं होंगे तो हम इसी तरह से ये बदलाव कैसे ला सकते हैं सर, ये भी हम समझेंगे। मनु सिंह, क्या सिर्फ जो कूड़े के निस्तारण की बात होती है, उज्ज्वला योजना की बात होती है, या जो साफ ईंधन नहीं मिल पाता, क्या वही मुख्य कारण रहते हैं ऐसे प्रदूषण के, या फिर कुछ और भी मेजर फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान दी जाने की जरूरत है? जी अनंत जी, सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ये प्रश्न पूछा। सिर्फ कूड़ा, सिर्फ PM 2.5, सिर्फ PM 1.0 अगर हम देखेंगे या सिर्फ ये रिपोर्ट को देखेंगे तो हम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिर्फ सिम्टोमेटिक क्योर, हम सिर्फ एक सिम्टम को देखेंगे, उसको एड्रेस करेंगे, उससे कुछ नहीं निकलना है। ये जो रोग सूचक निवारण होता है, सिम्टोमेटिक क्योर होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। आप जब तक प्रकृति को जड़ मानेंगे, अपनी जीवन शैली से उसका संदर्भ नहीं देखेंगे, तब तक इन इस किसी भी विकराल समस्या से हम इसका निवारण नहीं कर सकते। आपको प्रकृति को चेतन मानना होगा, इन सब का इंटरकनेक्टेडनेस देखना होगा कि ये जो सारी समस्याएं आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं, क्यों विदर्भ में किसान आत्महत्याएं करते हैं, क्यों केदारनाथ जैसी भयावह आपदाएं आती हैं, क्यों कभी हम एक तरफ, एक भारत का एक हिस्सा जो है बाढ़ से प्रभावित होता है तो दूसरा अकाल से प्रभावित होता है, क्यों तूफान बढ़ रहे हैं, इन सब को आपको देखना होगा। भारत की सबसे बड़ी समस्या उसकी आबादी है। आपको मैं एक फैक्ट देता हूं कि 60% लोगों के पास अभी अगर क्लीन फ्यूल नहीं है तो 70 से 75 करोड़ लोगों के पास नहीं, यानी अफ्रीका से ज्यादा जनसंख्या के पास क्लीन फ्यूल नहीं है। भारत, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये जो पूरा भूभाग है ये विश्व की 48% जनसंख्या है। अगर इन सब को के मेल मिलाप से एक इको टास्क फोर्स नहीं बनाई गई तो अगर सब लोग, मैं बताता हूं, महज छोटे छोटे सिगरेट पीने ही लगे उसी से भयावह पोल्यूशन हो जाएगा। आबादी को सबसे पहले एक नंबर के पायदान पर हमको समस्या देखना पड़ेगा। दूसरा, बड़ी बड़ी, जैसे यूएन की रिपोर्ट में कहा गया लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री सबसे पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, मांस उद्योग। अब कई पॉलिटिकल पार्टीज इस पर कुछ नहीं बोलेंगी, मांस उद्योग में भारत नंबर एक पर पहुंच गया है। उसके अलावा अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, भारत नंबर एक पर है। क्यों? क्योंकि आबादी से। ये इंटरकनेक्टेडनेस बनाना पड़ेगा, एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी का निर्माण करना पड़ेगा जो सबसे फ्री हो, सबसे आजाद हो, और जिसके पास सिर्फ जागरूकता ना हो बल्कि वो डेटरेंट पनिशमेंट देने की पूरी पूरी छूट हो, जिससे लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, जिससे लोग, और लोग, मैं बार बार कहूंगा, मैं बार बार फिर कहूंगा कि ये जनता का विषय है। ये एक विकास की जो हमारी अवधारणा हो गई है जो सिर्फ ग्रीड के अराउंड है, उसको हमें नीड पे लाना पड़ेगा, जो महात्मा गांधी ने कहा था। हमें वापस विकास को, विकास की अपनी अवधारणा को पलटना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि प्रकृति के समन्वय के साथ ही जीवन संभव है धरती पर, नहीं तो कुछ ही समय का और वो है ये। लेकिन सर, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर हम लोग देखते हैं तो जब तक गवर्नमेंट की कुछ अच्छी पॉलिसीज नहीं आएंगी तो क्या तब तक बदलाव संभव है? तब तक जब तक ढंग से उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा क्या तब तक बदलाव संभव है? पॉलिसीज में अभी भी कहता हूं अच्छी हैं, मुझे जो समस्या है वो इंप्लीमेंटेशन पे है। और इंप्लीमेंटेशन जो अभी गोविंद पंत राजू जी भी कह रहे थे कि आप तो जेबें भरने के लिए अथॉरिटीज बनी हुई हैं, इंप्लीमेंटेशन आपको लोगों को निकाल, मतलब एकदम उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये इसका कार्य है, ये नहीं हुआ सस्पेंड कीजिए। वो डेटरेंस, वो भय लोगों में लाना पड़ेगा, क्योंकि शासन कहीं ना कहीं डंडे से चलता है और खासकर जब इतनी विकराल समस्या है तो ये डंडा आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, राकेश त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो कोई संसाधन ही नहीं है हमारे पास
कोई स्टाफ मौजूद नहीं है जो कि 75 जिलों को सिर्फ मॉनिटर भी कर सके, कार्रवाई करने की बात तो अलग है। तो अगर हमारे पास संसाधनों की कमी रहती है, हम लोग नहीं रखते हैं, स्टाफ नहीं रखते हैं, तो कैसे फिर उम्मीद करते हैं कि वो जो एजेंसी है वो सही काम कर लेगी, ये जो लोग हैं जो कि ऐसे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं वो उनको सुधार लेगी। देखिए अनंत जी, एक ऐसा मुद्दा है, मैं दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके इस प्रश्न का जवाब दूंगा जी। ये वास्तविकता में बिल्कुल कटु सत्य है कि पर्यावरण प्रदूषण का विषय कभी भी राजनीतिक विमर्श में शामिल नहीं हो पाता है जी। कभी भी इलेक्शन प्रोसेस में चुनावी मुद्दा कभी भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं बन पाता है। कभी भी पॉलिटिकल पार्टी के घोषणा पत्रों में, एजेंडों में पर्यावरण प्रदूषण का स्थान नहीं बन पाता है। वो लोग हम लोग बखूबी समझते हैं सर, क्योंकि पर्यावरण की बात करने से कोई किसी को वोट नहीं मिलेगा, ये मुख्य कारण रहता है। बिल्कुल, मैं इसका तो सत्य को स्वीकार कर रहा हूँ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ष उत्तर प्रदेश की इकाई नहीं, वृक्षारोपण का एक बड़ा अभियान लेकर के, ये अपने आप में अनूठा, किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक अनूठा अभियान था कि राजनीतिक दल ने ग्रॉस रूट लेवल पर हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं ने न केवल वृक्ष लगाए बल्कि उस वृक्ष के पालक के तौर पर, उस वृक्ष को एक वर्ष तक उसको खाद पानी देने का काम, इसकी जिम्मेदारी भी पालक के तौर पर ली है। हम मानते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस तरह की जवाबदेही लेनी होगी, और जो सरकार है सरकार को भी इस संदर्भ में मैकेनिज्म, देखिए कानून वास्तविकता में दर्जनों कानून हैं, वो ध्वनि प्रदूषण के हो, वो जल प्रदूषण के हो, वो वायु प्रदूषण के हो, दर्जनों कानून इस संदर्भ में अलग अलग समय पर बनाए गए हैं। कानून कहाँ है सर, क्या काम कर रहा है त्रिपाठी जी? कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर बैन की बात की गई थी, आप दिल्ली एनसीआर में की बात कीजिए, धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, धूल जो ऐसी की वैसी उड़ती है, पानी के छिड़काव की बात की जाती है, कोई पानी का छिड़काव नहीं होता, कहा जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसे पानी के टैंकर्स लाए जाएं जो कि पानी पीने योग्य ना हो, लेकिन वहीं पर बड़े बड़े बोरिंग होते हैं, भूजल का दोहन करते हुए उन्हीं से सिंचाई की जाती है उस बिल्डिंग की, ये तो सर कानून का हाल है। देखिए मैं अनंत जी मैं मानता हूं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, और किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए ये समस्याएं और ज्यादा गहन होती हैं, क्योंकि विकास करने की हमारे अंदर ललक है और हम पश्चिमी देशों से कई मामलों में इस प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी अपने आप को ज्यादा से ज्यादा विकसित करें। लेकिन मैं मनु सिंह जी की इस बात से सहमत हूं कि विकास हमारा पर्यावरण के सापेक्ष होना चाहिए। हम कहीं ना कहीं आज पर्यावरण को इग्नोर करके, प्रकृति को इग्नोर करके जिस विकास की अंधानुकरण में लगे हैं, विकास की दौड़ में लगे हैं, कहीं ना कहीं आज उसके कारण ही पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हमारे लिए विकराल रूप में सामने आ रही है। हमको इसमें अपने जीवन स्तर में, अपनी जीवन राकेश जी, बहुत संक्षेप में एक चीज समझना चाहूंगा आपसे, उसके बाद मैं चलूंगा सर गोविंद जी के पास। बहुत संक्षेप में सर, पिछले साल सर्दियों की शुरुआत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से धुआं उठा था, कोहरे से बहुत ज्यादा धुंध फैली थी, बवाल मचा था कि प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऊपर सवाल उठे तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्या काम किया, उन्होंने दोहाई दी कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है। अगर आपकी सरकार की प्रतिबद्धता है और आपकी सरकार की, आपकी पार्टी की प्रायोरिटी लिस्ट में पर्यावरण आता है, तो पिछले इतने वक्त के दौरान आप लोगों ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश क्या बता दीजिए सर, यहां पर कि आपने स्टाफ को सुधारा हो, इस बोर्ड के अंदर भर्ती की गई हो या कोई प्लानिंग की गई हो? अनंत जी, मैं संदर्भ में अभी सीधी कोई आपको आश्वासन नहीं कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या क्या कदम उठा लिए हैं, क्योंकि मैं इसकी जानकारी लेकर के अभी नहीं बैठा था कि हमने क्या क्या कदम उठा लिए हैं। लेकिन हम पर्यावरण के मसले को लेकर के संजीदा है, गंभीर है, और उत्तर प्रदेश में राकेश जी सर ये बात तो गलत है ना, अभी पिछली सरकार की लूपहोल्स की बात होती सर, आपको टिप्स पर होते, पिछली सरकार ने क्या नहीं किया है सर आपको बखूबी याद होते, पिछली सरकार में अपराध कितना बड़ा था आपको बखूबी याद होते, लेकिन जहां पर जीवन शैली की बात आती है, लोगों के जीवन की बात आती है, वो बात प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आती ना सर। ये आप दोनों से अनुरोध है सर, आपके बाद ये सवाल लेकर मैं हिलाल जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन समझना जरूरी होगा सर कि कितने जाति के कितने लोग हैं, कितने धर्म के कितने लोग हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि कितने लोग प्यासे हैं या कितने लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, कितना लोग प्रदूषित पानी पी रहे हैं, ये ज्यादा सोचें तो शायद हम लोग बेहतर कल में प्रवेश करने की संभावनाएं हमारी बनती हैं। हिलाल साहब आप बता दीजिए सर कि हम लोग इस बात को चिंतित तो हैं, इस बात को लेकर पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात भी हम लोग करते हैं, वो पब्लिक पार्टिसिपेशन की बहुत ज्यादा जरूरत भी है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते जो राजनीतिक दल हैं या जो सत्ताधीश जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है सर। पिछली सरकार भी आप ही की थी, ऐसा नहीं पिछले सर चार साल में प्रदूषण इतना बढ़ गया है, पिछले सरकार के दौरान भी सर क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए थे जिनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था? अनंत, इस पूरे इस चर्चा में हम राकेश त्रिपाठी जी की भी तारीफ करेंगे कि कहीं पर भी हम लोगों ने किसी दल की बात नहीं की, बड़ी ईमानदारी से राकेश त्रिपाठी जी ने इस चीज को स्वीकारा कि हम लोगों के मैनिफेस्टो में ये होता ही नहीं है। देखिए कमी है तो है,
इसके लिए हम जनता की तरफ जवाबदेही रखते हैं तो रखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है। इस पर हम राजनीति करें, हम इसके ऊपर राकेश त्रिपाठी जी को घेरें, राकेश त्रिपाठी जी हमको घेरें, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। अगर भारत में आज की तारीख में विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषण से मौत होती है तो उसकी जवाबदेही सरकारों की है सर, लेकिन जिसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। आनंद जी बिल्कुल है, 100% है, इसके लिए दोषी हैं सरकारें, चाहे किसी की भी सरकार हो दोषी है। हम सबको मिलकर के आज की तारीख में पॉलिसी बनानी होगी। पॉलिसी जो है वो किसी राजनीतिक दल की ना हो करके देश की पॉलिसी हो, जिसके अंदर सब लोग मिलकर के बैठे और इस चिंता से बाहर निकल करके आए, सब मिलकर के काम करें। राकेश त्रिपाठी जी ने जैसे बताया कि सर, लोगों ने पॉलिसी बनाने की अपने बात की, प्लांटेशन किया अभी तक की सरकारों के पास। समाजवादी पार्टी ने कहा कि उन्होंने जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ गया है। देखिए काम सारे राजनीतिक दल छोड़ दीजिए सर, भी जो है लगातार अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ये तो हम जान रहे हैं। आपने कहा पॉलिसी बनानी होगी, लेकिन क्या अब तक की सरकारों के पास ऐसी किसी पॉलिसी का ब्लूप्रिंट भी है? आनंद जी आपका यह सवाल बिल्कुल सही है, 100% सही है, ब्लूप्रिंट है, सबके पास है। लेकिन गलती उसके अंदर यह है कि उस ब्लूप्रिंट को जिस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए, हमारे पास वो रिसोर्सेस नहीं है। यह एक सच है, ये एक सच है कि जब कभी कारण ये नहीं है सर, कारण ये है कि ब्लूप्रिंट को आप दिखाकर वोट नहीं बटोर सकते हैं, लोगों का वोट इन्फ्लुएंस नहीं होगा उस ब्लूप्रिंट को दिखाकर, इसलिए संसाधन भी नहीं है। गोविंद जी मैं जानना चाहूंगा आपसे, राकेश त्रिपाठी बड़े चर्चित हैं। आनंद जी बस हम एक मिनट लेंगे, एक मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे जी। आनंद जी डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी होती हैं, जितने भी विकासशील देश होते हैं, जो आज डेवलप कंट्रीज हैं, उनको भी जोड़ लें, जब वो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। सर हम लोग मंगलयान पर अगर अपना मंगल पर पहुंचने की बात करते हैं, मंगलयान लॉन्च करने की बात करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कर सकते हैं, हम ये कहें कि प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है सर, बात बेमानी लगती है इतना। नहीं सर ये बात आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपके प्रश्न करने का अधिकार है, आपको हमें ब्लेम करने का अधिकार है, लेकिन ये अपने आप में सच है कि उतने जितने रिसोर्सेज हमको लगाने चाहिए उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। डेवलपिंग कंट्री होने के वजह से वो रिसोर्सेज क्यों नहीं है, क्या हमारे पास पैसे की कमी इतनी पड़ती है कि प्रदूषण सुधारने को लेकर, प्रदूषण खत्म करने को लेकर हम लोग नहीं कर पाते हैं? देखना जी आप में एक कठिन, ठीक है इलाज साहब मैं लौटूंगा आपके पास, मनोज सिंह कुछ कहना चाहते हैं उसके बाद चलूंगा मैं गोविंद जी के पास। हिलाल साहब मैं बड़े विनम्रता से आपसे एक बात कहूंगा कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जो डेवलपिंग देश हैं, वो ज्यादा पोल्यूशन करते हैं कब, जब पिछली गलतियों वाला जो वेस्टर्न मॉडल है हम उसी को अपनाना चाहेंगे। क्या हम अपना मॉडल नहीं बना सकते जो प्रकृति के करीब हो? क्या हम ये सोचकर नहीं चल सकते कि आज हमारा डेवलपमेंट 2018 की बात करें, 2025 की बात करें, 2040 की बात करें, ये जो पोल्यूशन है ये डेवलपमेंट से नहीं होता, इसके पीछे जो बात है वो क्रोनी कैपिटलिज्म की है। 1969 में ही हाइड्रोजन बेस्ड कार्स तैयार हो गई थी, लेकिन तेल की लॉबी थी, उन्होंने उनको प्रमोट नहीं होने दिया। बहुत ऐसे इन्वेंशंस हैं जो हुए हैं, हमें और हमारी सरकार कर भी रही है, सोलर में, विंड में, टाइड में, सब में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो डेवलपमेंट है वो साथ साथ हो सकता है प्रकृति के। फिर हमें सर डेवलपमेंट को भी रिडिफाइन करना होगा कि विकास हम किस चीज का चाहते हैं, समग्र विकास चाहते हैं या सिर्फ निजी विकास चाहते हैं? सिर्फ पाश्चात्य अंधानुकरण, लेकिन सिर्फ पाश्चात्य अंधानुकरण यानी पाश्चात्य के विकास को कम्प्लीटली ले लेना, उसमें बिल्कुल कुछ लॉजिक नहीं लगाना, ये गलत है। ठीक है मनोज सिंह साहब, ये बहुत लंबी एक बहस है, इसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती है। आपने बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो सारे जितने भी सरकारें उनको कटघरे में खड़ा किया, और ठीक किया है, आपको करना भी चाहिए, लेकिन ये बड़ी लंबी बहस है। हम उसके अंदर फिर टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, हम फिर उसके ऊपर ये जाएंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुई है, किस तरह से हम जो है आज की भी तारीख में वेस्टर्न वर्ल्ड में जो पोल्यूशन है वो अलग तरह का पोल्यूशन है जिसको कि दिखाया नहीं जाता है। फिर हम उसके अंदर ये भी बताना पड़ेगा कि किस तरह से ओजोन लेयर डेवलप कंट्रीज के ऊपर की जो है वो डिप्लीट हुई है, डेवलपिंग कंट्रीज की नहीं हुई है। आज की तारीख में हमको ये भी बताना होगा कि बहुत से जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो डेवलप कंट्रीज से आ रहे हैं वो अननेसेसरी प्रेशर डेवलप कंट्रीज साहब, आपकी सारी बातें दलील सही मानी जा सकती हैं सर, उनके कोई ना कोई तथ्यात्मक स्वरूप आपने बिल्कुल आपके पास होंगे, लेकिन इस चीज को हम नहीं नकार सकते कि विश्व में अगर प्रदूषण के चलते सबसे ज्यादा मृत्यु कहीं होती है उनमें भारत का नाम है। डब्ल्यूएचओ की तरफ से अगर एक 15 शहरों की लिस्ट जारी की गई है, सबसे प्रदूषित 14
शहरों के नाम उसमें भारत के हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। आपने सिर्फ एक बात कही दोनों है जी, सिर्फ भारत नहीं है, भारत और चीन दोनों है। अगर आप पूरे दुनिया के 100 देश उठा के देखेंगे तो पहले 50 देश जो पहले 50 जो सिटीज आएंगे वो चाइना और इंडिया आएगा। सर मैंने तो सिर्फ 15 की बात की है, 15 में से 14 भारत के हैं, जो 15 आया वो सऊदी का है, वो भी उसके अंदर एक्टिव है जी। ठीक है, इलासा मैं लाडूंगा आपके पास जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल इलासा मैं लाडूंगा आपके पास, अपनी बात पूरी कीजिएगा। सर एक सवाल मैं समझना चाहूंगा, ये आपकी बात सही है जी गोविंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा। हिलाल साहब ने कहा कि हमारे पास संसाधन नहीं है, एक 70 साल गुजारने के बाद, हर जगह में अव्वल आने के बाद, हर क्षेत्र प्रगति करने के बाद, क्या हम इतने सक्षम नहीं हो पाए कि अपने देश की आबो हवा को सुरक्षित या साफ रखने के लिए संसाधन जुटा सकें? क्या इस पहलू पर हम वाकई कमजोर हैं? देखिए, संसाधन नहीं है का तर्क तो मैं अस्वीकार करता हूं। आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, और इच्छा शक्ति अगर आपके पास होगी तो संसाधन जुटाए जा सकते हैं। संसाधन हर चीज के जुटाए जाते हैं। जो हमारा सबसे ज्यादा कोर एरिया है, जहां हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, हम वहां के लिए संसाधन जुटाते हैं, हमेशा जुटाते रहे हैं तमाम अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये कहना कि संसाधन नहीं है इसलिए हम नहीं रोक पाए, और ये भी नहीं माना जा सकता कि चीन और हमारी स्थितियां एक जैसी है। चीन मैं अगर प्रदूषण है तो उन्होंने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों पर भी उतनी गंभीरता से जोर दिया। वहां दिखता है कि सरकार के पास इच्छा शक्ति है। उन्होंने अपने बांधों में जो गाद भर जमा होती थी उसका उचित प्रबंध किया है, बांधों की उम्र बढ़ाई है, हवा की शुद्धता पर ध्यान दिया है, वनीकरण पर ध्यान दिया है, और सबसे प्रदूषित शहर उनके पास है तो सबसे साफ इलाके भी उनके पास हैं। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य क्या है, लखनऊ की एक बात मैं बताऊं, जब योगी सरकार आई थी, अब उनका पहला काम था कि वो गोमती नदी के किनारे गए, और अखिलेश सरकार का जो गोमती रिवर फ्रंट था, जो पूरी तरह पर्यावरण के प्रतिकूल बनाया गया था, गोमती के जो उसका प्राकृतिक पर्यावरण है उसके खिलाफ जिसको बनाया जा रहा था, उसके मुआयने के लिए गए, और वहां उन्होंने कहा था कि ये तो भयानक इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होगी, वो सब जांच वाच का मामला तो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है और इसके बचे हुए काम को हम पूरा करेंगे। आज साल भर से ज्यादा हो गया, वो काम वैसे के वैसे ही है, वो स्थितियां जो धूल मिट्टी कचरा वहां पर था वो वैसे का वैसा ही है, जो दूब और जो पेड़ वहां पर लगाए गए थे उन पर जो लाखों रुपए की लागत जिन पर थी उन पर, क्योंकि पानी नहीं डाला गया, क्योंकि योजना जांच के दायरे पर आ गई, जो करने वाले अधिकारी और करने वाले विभाग थे उन्होंने अपने हाथ खींच लिए, तो पानी डालने वाले लोग भी नहीं रहे, वो सब सूख के लाखों रुपया कबाड़ में बदल गया। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार ने क्या किया? लखनऊ में हाईकोर्ट की एक नई बिल्डिंग बनी, हाईकोर्ट जैसी नया भवन जिसकी जमीन को देखने के लिए कोर्ट के भी जिम्मेदार लोग गए होंगे, और जो जैन साहब जैसे टाउन प्लानर और तमाम जिम्मेदार लोग गए होंगे, वो सब वहां गए, और वो जिस जगह पर बनी है उस जगह पर आज ही के अखबार में खबर है कि अब 15 करोड़ रुपए से उसके जो वाटर मैनेजमेंट का उसके लिए काम किया जाएगा, ताकि बरसात में चारों तरफ पानी ना भर सके। तो ये है हमारी इच्छा शक्ति। लखनऊ शहर में केंद्र सरकार के पैसे से पिछले दिनों सीवर लाइनें पड़ी थी, एक तिहाई हिस्सा ऐसा है जिसमें सीवर लाइन तो बिछ गई, लेकिन उसके लिए न तो कोई ट्रीटमेंट से वो कहीं जुड़ी थी, न किसी लाइन से आगे वो जुड़ी हुई थी। आधा तिहाई शहर इस तरह की स्थितियों से जूझ रहा है, तो ये किसका, इसमें कहां बजट की बात आती है? बजट तो आज भी आप देंगे, यहां पर जो सवाल उठता है वो सवाल उठता है इच्छा शक्ति का, और वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई देती। वो इच्छा शक्ति जब नहीं दिखती तब इस तरह की चीजें आती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पेरिस कन्वेंशन को लेकर और तमाम जितने भी एनवायरमेंट को लेकर बड़े बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग आवाज अपनी उठाता है, लेकिन जमीन के अंदर जब स्थितियां होती है तो दिखता है कि हम चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कूड़े से बिजली बनाने का एक प्लांट लगाने की बात थी, तब से अब तक कम से कम 15 बार वो अलग अलग कंपनियों को प्लांट दिया गया है, करोड़ों रुपया उस पर खर्च हुआ, आज तक वो प्लांट कभी चला नहीं, 2 दिन से ज्यादा कभी चला नहीं। ठीक है, तो अगर हम अपने कूड़े को डिस्पोजल के लिए प्रॉपर सिस्टम नहीं बना सकते तो इसमें पैसा कहाँ है? पैसा तो आपने 100 करोड़ संसाधन ना होने की दुहाई नहीं दे सकते सर हम लोग। इच्छा शक्ति जी, कैप्टन द्विवेदी, मैं जानना चाहता हूँ सर आपसे जी, संसाधन का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होते हैं जी। संसाधन जो है एक बड़ा टर्म है, संसाधन के अंदर एक्सपर्टाइज भी आता है, संसाधन के अंदर टेक्नोलॉजी भी आती है, संसाधन के अंदर जो देश में पढ़े लिखे लोगों की या जो टेक्नोलॉजी में जो लोग बेस्ट हों, क्या लोगों की कमी है टेक्नोलॉजी देश में? जो रेफ्रिजरेशन का काम कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन के काम के
अंदर हमको किस तरह की गैस का यूज करना है, किस तरह के हिलाज साहब सर ये मान लें सर, हिलाज साहब के फिर हम लोग ये मान लें कि अब नहीं हो सकता, जोड़ दिया हिलाज साहब क्या अब मान लें सर, हिलाज साहब फिर मान लें कि सर नहीं हो सकता, ये कभी मान के बैठ जाए हम लोग के संसाधन हमारे पास नहीं तो ना करें हम लोग। नहीं हमने ये नहीं कहा, हमने कहा बिल्कुल हो सकता है और होगा, आप ये भी देखिएगा आनंद जी ये होगा भी जी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा जी, लेकिन हम पहले ठीक है हमको डेवलपमेंट ठीक है। हिलाज साहब मैं लौटूंगा सर आपके पास, बहुत संक्षेप में आरसी जैन साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब हम उस जगह पे हैं जहां हम इस पे काम कर ठीक है। जैन साहब मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा सर, एक टाउन प्लानर के नाते क्या आप एडवाइस करेंगे कि अगर शहरों में कोई शहरों में क्या हम चीजें कर सकते हैं जिनके तहत प्रदूषण कम कर सके, चाहे भले ही वाटर पोल्यूशन हो, चाहे भले ही कम स्तर पर उसे कम कर सके, लेकिन शुरुआत हो आपसे सर। कम किया जा सकता है जी, और मैं ये मेरा ये मानना है जी कि जैसा गोविंद पंत जी ने कहा, गोविंद पंत जी ने कहा है इच्छा शक्ति की बहुत आवश्यकता है। हम लोग के टाउन प्लानिंग में सभी चीजों की पूरी व्यवस्था डिजाइन में की हुई है, नेशनल बिल्डिंग कोड में सारी व्यवस्थाएं की हुई है। एक सबसे अच्छी बात मैं बताऊं जी, अभी बात हो रही थी यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, वाराणसी से सटा हुआ यहाँ पर भदोही है, भदोही में कॉलोनी कालीन के कल कारखाने हैं, वहाँ बहुत सा पॉल्यूशन होता था, लेकिन ये इच्छा शक्ति अगर हुई है तो वहाँ पर 80 जो है डाइंग प्लांट बंद हो गए थे और उनको तभी चलाने की परमिशन दी गई है जब उन्होंने अपने पॉल्यूशन प्लांट लगा लिया ईटीपी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इच्छा शक्ति का पूरी तरह से अनुपालन किया जाए तो ये सारे के सारे नियम कानून जो बनाए गए हैं वो आपके इम्प्लीमेंट करने पर अपने आप में काफी हैं, सभी स्थिति को हम लोग सुधार सकते हैं। बिल्कुल जैसा मैं लौटूंगा कैप्टन द्विवेदी, बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा सर कि आज की तारीख में दिल्ली एनसीआर की अगर बात करते हैं, कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पर हर रूल का वायोलेशन किया जाता है, तो उसके जिम्मेदार कौन है सर, संसाधन या फिर इच्छा शक्ति? नहीं ये इसमें संसाधन की बात, जैसा मैं लाडूंगा आपके पास सर, ये जो सवाल मेरा है वो कैप्टन द्विवेदी से है। देखिए ऐसा है कि अनंत इसके लिए जिम्मेदार वहां के कंसर्निंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं और बिल्डर्स हैं जी, और एनजीटी ने इसका बड़ा स्ट्रांग व्यू लिया था। मैं सीईओ नोएडा हुआ करता था जी, तो हम लोग पेश हुए थे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में और 19 साइट्स जो थी वो रोक दी गई थी जी, लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों में उनको पुनः अलाउ कर दिया गया कि आप अपना काम कर लीजिए। जो ये कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, अभी जो बात हो रही थी पीएम 2.5 एंड पीएम 10 की जी, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन एट लार्ज स्केल इन द अर्बन एंड सब अर्बन एरियाज। और जब तक हमारे अंदर, जैसा कि अभी गोविंद पंत राजू ने आपको कहा कि इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, जब तक ये सरकार की शीर्षस्थ प्राथमिकताओं में नहीं होगा जी, कि हम पॉल्यूशन नहीं होने देंगे कम वॉट में, तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, उदाहरण के लिए लखनऊ ले लें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे वो ये आपका सीवेज लगाने वाली लाइनें लगी हुई हो जी, या कूड़े से बिजली बनाने वाला प्लांट हो। उस जमाने में मैं ही म्युनिसिपल कमिश्नर हुआ करता था जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ के हमारे सदन के सम्माननीय सदस्य भी हुआ करते थे जी, बहसियत एमपी फ्रॉम लखनऊ, और बड़े इच्छा शक्ति थी उनकी, कई बार उन्होंने हम लोगों की मीटिंग्स ली जी, इसी राजभवन के गेस्ट हाउस में, कैप्टन द्विवेदी और वो चाहते जी थे कि ये काम किसी तरह कंप्लीट हो। वक्त की पाबंदी के चलते चर्चा को समय विराम देना होगा, लेकिन ये बात हमें समझनी होगी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की इसमें बेहद जरूरत है। 20 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं बिल्कुल, लेकिन कूड़े से बिजली का जो प्रोजेक्ट था, जो भारत वर्ष का पहला प्रोजेक्ट था जी, मैं कहूंगा वो हमारा दुर्भाग्य है जी कि वो आज तक नहीं पूरा हो पाया जी। चलिए ठीक है सर, अब चर्चा को सर यहाँ पे विराम दे रहे हैं। कैप्टन द्विवेदी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। तो ये बात हम लोगों को समझनी होगी कि प्रदूषण एक भयानक समस्या के तौर पर सामने आ रहा है और उसमें सभी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उसमें सरकारों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए कि जो नई नई पॉलिसीज लाई जाती है उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो, और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी मॉनिटर होना चाहिए। लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी बेहद जरूरत है, क्योंकि साफ वातावरण में अगर रहना है तो हम लोगों को खुद भी जागरूक होना होगा कि आसपास के इलाके को स्वच्छ रखें, और जो भी वॉयलेट करता है, क्योंकि आपका संवैधानिक अधिकार भी है ये स्वच्छ वातावरण में रहना, अगर आपका संवैधानिक अधिकार कहीं भी हनन किया जाता है तो आपका भी फर्ज बनता है, उसके खिलाफ आप कंप्लेन करें, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बदनाम फिलहाल सिर्फ इतना ही, ब्रेक का ब्रेक के उस पर खबर लगातार जारी रहेगी।